झंझारपुर में इस वक्त महागठबंधन प्रत्याशी राम नारायण यादव जी का सभा चल रहा है, जिसको संबोधित करने के लिए कन्हैया कुमार जी यहां मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ अपने सभा के दौरान कहा है। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर के साथ बिहार 24 सबसे सामना। अध्यक्ष अधिवक्ता हरे राम राय जी, मंच संचालन निहार, झंझारपुर के राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला पार्षद भाई अंजार अहमद साहब मंच पर विराजमान, हिंदुस्तान के युवाओं के आवाज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेता, शोषित पीड़ित अकलियत के नेता कॉमरेड कन्हैया कुमार जी मंच पर उपस्थित, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिला अध्यक्ष राम बहादुर यादव जी मंच पर उपस्थित, अभिभावक वरिष्ठ अधिवक्ता अतिकुर रहमान साहब मंच पर उपस्थित, हमर अभिभावक मोहम्मद हाशिम साहब, ठीक है मेरी आवाज चली जाए। साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मिथिला की इस पावन धरती के, इस महान भूमि के आप तमाम लोगों का, आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, किसान मजदूर भाइयों का, मेहनत मजूरी करके, दुकानदारी करके, खेतों में खून पसीना बहा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आप आवाम का और प्यारे बच्चों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मंच पे उपस्थित तमाम दल के लोग यहां मौजूद हैं और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं महागठबंधन के प्रत्याशी रामनारायण जी का कि उन्होंने सब लोगों का नाम लेकर के हमारा काम आसान कर लिया है। मैं इकट्ठे आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चुनाव है और जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके लिए चुनाव का ज्यादा अनुभव ना हो, लेकिन पीछे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत सारा चुनाव देखा है, बहुत सारी चुनावी सभाएं देखी हैं, बहुत सारे वादे देखे हैं, बहुत सारी तकरीरें सुनी हैं, बहुत सारा भाषण सुना है। आप लोगों के लिए मौका है कि इस मौके पर चुनाव जब हो रहा है, अपने बुजुर्गों के करीब बैठिए और अपना इतिहास, चुनाव किस तरीके से होते थे, किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, पहले के चुनावों में और आज के चुनावों में क्या फर्क आया है, इसका तजुर्बा उनसे साझा कीजिएगा या अनुभव उनसे लीजिएगा। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि चुनाव में तरह तरह की बातें की जाती हैं, अगर बस चले तो नेता ये भी कहते कि आपके घर के ऊपर हवाई अड्डा बना देंगे। स्थिति ये होती है कि लोकतंत्र ने आपको ऐसी ताकत दी है कि इस ताकत के बदौलत वोट के वक्त नेता आपके चरणों में लेट जाएंगे, कोई कुछ लेकर के आएगा, कोई कुछ लेकर के आएगा। अभी तो वो संस्कृति बिहार नहीं पहुंची है, नहीं तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोई कुकर देता है, कोई टीवी देता है, कोई साइकिल देता है, कोई मोटरसाइकिल देता है। पैसा और पोलोथीन बिहार में भी पहुंच गया है, प्लस मुर्गा भात। लेकिन उससे ज्यादा हम लोग अभी अपग्रेड नहीं हुए हैं। एक बात मैं सबसे पहले आपसे इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता को नेता चुनने का अधिकार होता है। अगर हम ही अपने इस अधिकार का महत्व नहीं समझेंगे तो धीरे 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 हमारे हाथ में सरकार, सत्ता और व्यवस्था बदलने की जो शक्ति है
वो छीनती चली जाएगी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये अधिकार भीख में नहीं मिला है और गिफ्ट में भी नहीं मिला है। इस अधिकार के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए देश के महानुभावों ने अपनी जान को कुर्बान किया था। अगर भगत सिंह फांसी पर नहीं चढ़े होते तो देश आजाद हुआ होता क्या? अगर गांधी ने गोली नहीं खाई होती तो ये संविधान बना होता क्या? अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री नहीं होते तो क्या गरीब गुरबा को पढ़ने का अधिकार मिला होता क्या? कोई अधिकार किसी भी परिस्थिति में गिफ्ट में नहीं मिला है। याद कीजिएगा कि उसके लिए किसी ने अपनी जान गवाई है, किसी माँ की गोद सुनी हुई है, तब जाकर के जनता मालिक बनी है और जनता को नेता चुनने का अधिकार मिला है। अब जो ये इतनी बड़ी शक्ति है हमारे हाथ में, हर 5 साल में एक मौका आता है कि 5 साल जो रोज हम तकलीफ झेलते हैं उस तकलीफ का हिसाब किताब चुकता किया जा सके। ये सामने सड़क है ना, गाड़ी चल रही है, इसी सड़क से लॉकडाउन के दौरान गरीब गुरबा मजदूरों को आप पैर में छाले पड़े हुए पैदल चलते हुए देखे थे कि नहीं देखे थे? यार है ना, भूल गए हैं? तो जो हेलीकॉप्टर माथा पे उड़ाता है उससे पूछिएगा, रे बाबू हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो? जब लोगों की भूख से जान जा रही थी, नौनिहाल को अपने गोद में रख करके माए हजारों किलोमीटर पैदल चल रही थी, बाप भूखा प्यासा इस उम्मीद में चलता जा रहा था कि अगर मरना ही है तो अपनी मिट्टी में जाकर के मरेंगे। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन इसका जिम्मेवार है? इसकी जिम्मेवारी किसी की नहीं है, कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार है, और जो लोग जिम्मेवार हैं वही लोग क्या कर रहे हैं? जब चुनाव हो रहा है तो सब कुछ को भुला दिया गया है। याद कीजिए क्या कहते थे, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। आहा, अरे सोशल डिस्टेंसिंग तो इस देश में हजारों साल से है, सोशल डिस्टेंसिंग तो सैकड़ों साल से है इस देश में, कहां बेटी रोटी का संबंध बन रहा है? आज भी हमारा गांव टोलों में बटा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग तो है। असल बात यह है कि यह सामाजिक दूरी को घटा करके शारीरिक दूरी बोलना चाहिए था उसको, लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग का जो उन्होंने बात कहा, बत्ती बुझाने के लिए जो उन्होंने कहा, थाली पीटने के लिए जो उन्होंने कहा, कोरोना भागा? एगो मंत्री जी हैं, कह रहे थे गो कोरोना गो, अब कोरोना जो है उनके अंदर कमीन हो गया है। इसके नाम पर लॉकडाउन किया गया, जनता ने उसका पालन किया, बदले में जनता को क्या मिला? अस्पताल मिला, दवाई मिली। एक मंत्री साहिबा हैं, वो बोली कि वैक्सीन आएगा तो सबसे पहले बिहार के लोगों को फ्री में दिया जाएगा। क्यों भाई, क्यों सिर्फ बिहार के लोगों को फ्री में दिया जाएगा? चुनाव है इसीलिए। देखिए बच्चा बच्चा इस बात को समझता है कि अगर बिहार में चुनाव है तो कह रहे हैं कि फ्री में देंगे बिहार में, बिहार का चुनाव बीत जाएगा, बंगाल का चुनाव होगा तो कहेंगे फ्री में देंगे बंगाल में। देखिए जितना भी आपको विरोध करना है नीतीश जी का कीजिए, लेकिन नीतीश जी को एक बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का फुल फॉर्म नीतीश जी ने बताया है, बरका झूठा। कम से कम इस आविष्कार के लिए तो नीतीश जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। नीतीश जी गजब फेरा में फंस गए हैं। आप मान लीजिए कि आपके हाथ में कुछ हो, अब पैर में मच्छर काट लिया, ना भगा पा रहे हैं ना खुजला पा रहे हैं, ऐसा फेरा में फंस गया है। और यही है भाजपा की फितरत, ये भाजपा की फितरत है कि जब चुनाव आएगा
तो बढ़िया बढ़िया बात बोला जाएगा। बोलिए, झंझारपुर के लोगों को ये वादा किया गया था कि नहीं किया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम झंझारपुर को जिला बना देंगे? बन गया जिला, सरकार कौन चला रहा है? नीतीश जी चला रहे हैं, और ये जो नीतीश जी चुनाव लड़ रहे हैं ये भी सरकार में है ना, भाजपा भी सरकार में है ना। ये बात मैं आपको याद क्यों दिला रहा हूं, ये बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि चुनाव है, चुनाव में तरह तरह का बात किया जाएगा, लेकिन आपको याद करना होगा कि आपके बच्चे जो बीटेक किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, आईटीआई किए हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, बीएड किए हैं, पीएचडी किए हैं, उनको नौकरी मिल रही है? नौकरी नहीं मिलेगा तो बताइए रे बुतरू, ब्याह होगा? आज ब्याह होगा। अब वैकेंसी का हालत ये है कि निकलता नहीं है, अगर निकलता है तो एग्जाम नहीं होता है, और वैकेंसी की हालत ये है कि वैकेंसी के नाम पे वसूलीकरण चल रहा है इस देश में। 50 वैकेंसी निकलेगा, कहीं 500 रुपया, कहीं 1000 रुपया लिया जाएगा, 4-4 साल इंतजार कीजिएगा, परीक्षा ही नहीं होता है। संयोग से अगर परीक्षा हो जाए तो ट्रेन में ऐसे लटक करके जाना होता है जैसे ईश्वर से मिलने जा रहे हों, खुदा से मुलाकात होने वाली है। ऐसे लोग ट्रेन में लटक करके जाते हैं, और जब परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं, परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं, तो एग्जाम देते देते बगल वाला लड़का कान में फुसुकता है, क्या मेहनत कर रहे हो, लीक हो गया प्रश्न पत्र, लीक हो गया। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये हमारी समस्या है, पलायन हमारी समस्या है, बेरोजगारी हमारी समस्या है, बीमारी हमारी समस्या है, अशिक्षा हमारी समस्या है, भूख हमारी समस्या है, कुपोषण हमारी समस्या है। इन तमाम चीजों को छोड़ करके नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, आम आवाम के मुद्दों को छोड़ करके मुद्दा किसका होगा? मंदिर और मस्जिद का। आए बाप, कल आ रहे हैं वो साहेब यहाँ पे जहर उगलने के लिए, हमको खबर मिली है। उनके बारे में मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूँ, एक बात सुने है ना, अपन उपाय ने सूरदास बरतोई। जिसका अपना घर नहीं संभल रहा हो, वो मिथिला जैसी महान भूमि पर जहाँ कविवर विद्यापति पैदा हुए हैं, जहाँ जनकवि बाबा नागार्जुन पैदा हुए हैं, जहाँ मंडन मिश्र पैदा हुए हैं, उस धरती पर जहाँ पर गोनू झा की कहानियां सुनाई जाती है, इस प्रकार विद्वान धरती पर वो आएंगे ढोंगी ज्ञान देने के लिए। कहते हैं ना कि जिनका अपना घर नहीं संभल रहा हो वो दूसरे को ज्ञान देने के लिए आएंगे। जिनके राज्य में रोज बलात्कार होता है, रोज पुलिस के द्वारा अत्याचार होता है, खुलेआम गुंडागर्दी होती है, और वो मिथिला के लोगों को भाषण देने के लिए आएंगे, जिनकी तहजीब पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिनका मिठास पूरी दुनिया में जाना जाता है। बताइए कोई कहीं से आकर के मिथिला के लोगों को ज्ञान देगा? ये धरती कहा जाता है माता जानकी की धरती है। धरती के बारे में एक से एक इतिहास लिखा गया है। कहते हैं कि विद्यापति जी को अपने अंतिम क्षण में गंगा स्नान की इच्छा हुई, चलते चलते जो है कभी थक गए और बोले अब हम यहीं बैठेंगे, और गंगा स्वयं आ करके उनके चरणों से होकर के गुजरी थी। ये इतिहास है मिथिला का। ये जहां पर सहिष्णुता की पराकाष्ठा है, ऐसा इलाका जहां तमाम जाति और धर्म के लोग मिठास के साथ मिलकर के रहते हैं, उस मिठास में ये जहर घोल करके घोलने के लिए आए हैं। मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं, और आपसे ये आश्वासन लेने के लिए आया हूं, 3 तारीख को 3 नंबर पे बटन दबा करके मिथिला को 1 नंबर बनाइए। ये विश्वास मैं आपसे लेना चाहता हूँ, ये आशीर्वाद मैं आपसे लेना चाहता हूँ। देश में जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, उस हालात में हमको कुछ बातों को समझने की जरूरत है। ठीक बात है, चुनाव है, चुनाव आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद यहाँ तमाम अनुभवी बुजुर्ग नेता मौजूद हैं मंच पे, वो इस बात को स्वीकार करेंगे
कि बिहार के चुनाव में इस बार नई उम्मीद अंग्राइयां ले रही है, और ये जो नई उम्मीद है, इस उम्मीद में हम लोग जनता के सवालों की बात कर रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा विमर्श, हमारी पूरी की पूरी बातचीत जय जवान जय किसान और जय संविधान के दायरे में होता है। हम कहते हैं जय जवान जय किसान जय संविधान, वो करते रहते हैं हिंदू और मुसलमान। ये दो तरह की विचारधारा की लड़ाई है, यह बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि जब आप 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो आप अपने तकलीफों के बारे में सोचिएगा, उस समय भूल जाइएगा। मुर्गा भात कोई अगर खिला लेता है तो खा लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कौन अपना पप्पा के घर से दे रहा है? अरे जनता का पैसा ही लूटा है, वही लूट का पैसा दो चार बूंद जो है चुनाव के समय में छिड़क देता है। दो चार बूंद छिड़क देने से हमारे जीवन की समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी। मुर्गा भात खिलाता है, खा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि वोट देते वक्त अगर मुर्गा भात याद रहा तो 5 साल फिर मुर्गा बन करके रहना पड़ेगा, यह बात याद रखिएगा। इसीलिए जो खाता खिलाता है खा लीजिए, लेकिन जब वोट देने के लिए जाइएगा 3 तारीख को तो वो याद रखिएगा कि आपके सड़क पे आपके घर के सामने हजारों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल करके वापिस इस घर को आए थे। याद रखिएगा कि आपके बच्चे सर्टिफिकेट लेकर के रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं। याद कीजिएगा कि किसान जो फसल तैयार करता है उस तैयार फसल को बाजार में लेकर दुकान दुकान भटकता है, लेकिन उसको उसके फसल का दाम नहीं मिलता है। याद कीजिएगा जब किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है। याद कीजिएगा जब किसी गरीब गुरबा को अपमानित किया जाता है, जब किसी बिहार की प्रतिभा को अपना घर छोड़ने के चलते, पलायन करने के चलते दूसरे राज्यों में अपमानित होना पड़ता है। इस बात को याद कीजिएगा। याद कीजिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस समाज में सही नीतियों को लागू करने की लड़ाई है। और सही नीति क्या है? सही नीति ये है कि लोकतंत्र का कोई सेल नहीं लगा हुआ है। दुर्गा जी का मेला चल रहा है, दिवाली का बम्पर सेल नहीं चल रहा है कि कोई जमहूरियत को खरीद लेगा, कोई लोकतंत्र को खरीद लेगा। और हमको पूरा भरोसा है कि जब तक लोकतंत्र को बचाने का अधिकार आपके हाथों में है, इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी आपको अपने कंधे पे उठाना पड़ेगा। बोलिए उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? इस बार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? ये बदलाव का संकल्प है, और बदलना इसलिए जरूरी है, आप लोग मिथिला के लोग हैं, हर साल आपके यहाँ बाढ़ आती है, और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि पानी जहाँ जमा हो जाता है उससे बदबू आने लगती है, उसमें कीड़ा हो जाता है, उसमें मलेरिया का मच्छर हो जाता है, उसमें डेंगू का मच्छर हो जाता है। इसीलिए वक्त के साथ पानी बदलते रहना चाहिए। जब वक्त के साथ पानी बदलते रहना चाहिए तो बोलिए नेता बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? मुख्यमंत्री बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो सरकार भी बदलनी चाहिए ना। भाई बहन लोग रोटी बनाती होंगी, आजकल छोरों सब बनाता है, हॉबी में लिखता है कुकिंग, माय हॉबी इज कुकिंग। तो जो लोग खाना बनाते हैं उनको बखूबी ये पता है कि तावा पे रोटी जब रख दीजिएगा, अब 20 मिनट छोड़ दीजिएगा, रोटी जल जाएगा ना। तो 15 मिनट में रोटी जल जाता है, 15 साल में ये सरकार नहीं जल गया है? इसको बदलना चाहिए ना। और अगर आप बदलना चाहते हैं तो इस बार झंडा मत देखिएगा, चिन्ह मत खोजिएगा, क्योंकि झंडा और चिन्ह देखिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। एक महिला हमको आकर के पूछी, नूनू लालटेन इस बार कौन नंबर पर है? हम बोले मामा इस बार लालटेन नहीं है, जहाँ लालटेन होता था ना वहाँ इस बार हंसुआ बैल है। तो बोले ये कैसे हो गया? हम बोले हम लोग सब मिल गए हैं ना, तुम लोग सब जोर हो गए हो? हम बोले हाँ। किस लिए? हम बोले नया बिहार बनाने के लिए हम लोग सब जोर हो गए हैं। इसीलिए एक बड़ी जिम्मेवारी आप तमाम नौजवानों के कंधे पे है। सब मोबाइल वाला है, सेल्फी वाला लड़का सब है, घर जाना, दादा को दादी को मम्मी को पप्पा को मैयो बाबू अब्बा अम्मी सबको ही बताना कि जी ये देखिए चिन्ह 3 नंबर पर कौन मिलेंगे? राम नारायण जी मिलेंगे।
चिन्ह क्या है? हसुआ गेहूं के बाद। ये जिम्मेवारी तमाम नौजवानों को लेनी पड़ेगी, नहीं तो एक बात दिमाग में रखिएगा, हम लोग खूब परीक्षा दिए हैं, पीएचडी किए हैं, ये बात जानते हैं। साल भर मेहनत कीजिएगा और एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो असली परीक्षा तो वहीं होनी है। अब परीक्षा पास करने के लिए अगर 35 नंबर चाहिए, 34.5 नंबर भी लाइएगा तो फेल हो जाइएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो खूब मेहनत कर रहे हैं, रैली में खूब भीड़ भी आ रही है, मार सेल्फी भी हो रहा है, फेसबुक लाइव भी चल रहा है, ये सब ठीक बात है। लेकिन 3 तारीख को भोरे भोर तैयार हो करके, जैसे नहीं लोग मेला देखने के लिए जाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके बूथ के सामने करे कमान खड़ा हो जाना है कि एक एक मतदाता जब वोट करने के लिए आए तो उनको भरोसा हो जाए कि इस बार बिहार बदलने वाला है। और वो लोग जो बूथ तक आने में सक्षम नहीं है, नहीं कुछ तो अपना साइकिलों पर बैठा करके उनको बूथ तक लेकर के आना है, नहीं कुछ तो मोटरसाइकिलों पर बैठा करके उनको अपने बूथ तक लाना है। और एक एक वोट को इस बार बिहार को बदलने के संकल्प के साथ ईवीएम वोट बटन से दबाना है, यह बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, मैं बहुत छोटी पार्टी का सदस्य रहा हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी का भी चुनाव लड़ रहा था तो 5-6 लोग ही हमारे साथ थे, तो मैं जिस भी क्लास में कैंपेन करने के लिए जाता था तो अपने वोटरों को मैं यही कहता था कि मतदाता जिस दिन बदलाव के कार्यकर्ता बन गए उस दिन बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। इनका करोड़ों करोड़, इनका फॉर्चूनर, इनका हेलीकॉप्टर धरा का धरा रह जाएगा, नीचे से जमीन गायब हो जाएगी अगर मतदाता कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हो जाए। आप लोग कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं बिहार के बदलाव के लिए? राम नारायण जी, आप चिंता नहीं कीजिए, माला पहनिए और आपको जो है चिंता नहीं करना है, माला पहना दिए हैं, सम्मान रहेगा ना। 10 तारीख को इस बात की चिंता नहीं रहेगी ना कि झंझारपुर में क्या होगा, एकदम बदलाव होगा ना। यही उम्मीद के साथ मैं आप तमाम लोगों से विदा लेता हूं और इस वादे के साथ जा रहा हूं कि हम लोग खाली गाल बजाने वाले लोग नहीं हैं। जो वादा किए हैं, चाहे समान काम का समान वेतन का वादा हो, चाहे नियोजित शिक्षकों को अस्थायीकरण का मामला हो, चाहे वृद्धा पेंशन को बढ़ाने का मामला हो, एक एक वादे को लागू करके दिखाएंगे, ये आपका हमको भरोसा देकर के जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अब सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है।